दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको व्हाट्सएप की कुछ पांच ऐसे बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक न्यू अपडेट है और कुछ सेटिंग है, तो इसको आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये पांचों ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी है अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको WhatsApp की पांच ऐसे बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप WhatsApp यूजर हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक तो देखना ही है। तो गाइस, यहाँ से हमारी जो पहली ट्रिक है गाइस, वो हमारी सिक्योरिटी को लेके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आजकल हमारे व्हाट्सएप की छानबीन करने के लिए दुनिया काफी ज्यादा बेताब रहती है। जैसे कि हमारे फ्रेंड ही हमारे पर्सनल चीजों को देखना काफी ज्यादा उनको मजा आता है, इसीलिए गाइस ये आपको पहली ट्रिक आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, इसे आपको जरूर चालू कर लेना है। तो वो ट्रिक क्या है दोस्तों, देखो यहाँ से मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाता है, देखो गाइस अकाउंट का, अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से आपको सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है फर्स्ट में, आप इसे इनेबल कर दो। अब इसे इनेबल करने के बाद यहाँ से आपके बटन मिलेगा, आप इसे सिंपली चालू कर देना है। अब इसे चालू कर लोगे तो गाइस आपके व्हाट्सएप से, आपके नंबर से कुछ भी छेड़छाड़ होगा, मतलब कोई भी कुछ भी कहने की कोशिश करेगा, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और आप पता कर सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे या प्रोफाइल पे कोई ना कोई छेड़छाड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपको जरूर इनेबल कर लेना, इससे आपको ये पता चल जाएगा। अब जो सेकेंड ट्रिक होने वाली दोस्तों, ये एक न्यू अपडेट है व्हाट्सएप में, जिसमें आप अपने प्रोफाइल की जगह अवतार जो कि क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कार्टून टाइप का एनिमेशन दिखेगा। तो वो कैसे करना है, तो इसके लिए आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना और यहाँ से आपको सेकंड में अकाउंट के नीचे अवतार का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर लेना। आप इसमें क्लिक कर लोगे, यहाँ अवतार का ऑप्शन मिलता है तो आप इसमें क्लिक कर लो ना। इसमें क्लिक करने के बाद फिर गाइस, जैसे कि अभी आपने देखा ना कार्टून पे, कि आपको उसी तरह का एनिमेशन जो कि एक कार्टून टाइप करना है, तो यहाँ से इसके लिए आपके चेहरे का कलर क्या होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपको हेयर वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करना है, कपड़े वगैरह कलर, ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। यही चीजें आपको इस एप्लीकेशन में मतलब इस अवतार वाले सेक्शन पे करना, और यहाँ से आप अपने प्रोफाइल की जगह अपना एनिमी जो कि एक कार्टून टाइप का प्रोफाइल लगा सकते हैं। तो ये आप अपने खाली समय में कर लेना, फिलहाल मैं अभी इसे बैक करता हूँ। तो ये सेकंड ट्रिक जो कि अपडेट मुझे आपको बतानी थी, मैंने बता दी। अब गाइस जो हमारी थर्ड ट्रिक है वो काफी ज्यादा पसंद आएगी आपको, क्योंकि काफी लोग पर्सनल जो कि लार्ज सीन एंड ऑनलाइन स्टेटस को छिपाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग पे आके आपको वापिस क्या करना है, यहाँ को जाना, यहाँ से प्राइवेसी वाला ऑप्शन मिलता है थर्ड में, प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको फर्स्ट में मिल जाता है लार्ज सीन एंड ऑनलाइन, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक कर लेना। अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो पहली चीज आपके लार्ज सीन वाला होगा, मतलब आप व्हाट्सएप अभी यूज कर रहे हैं 3 बजे और उसके बाद आप 3 बजे कर देते हैं, आप कहीं चले जाते हैं, तो आपके फ्रेंड जब आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं तो वहाँ पे आपके लार्ज सीन दिख जाता है, कि उसको पता चलता है आपके फ्रेंड को कि नहीं आप 3 बजे ऑनलाइन थे, मतलब बात कर रहे थे या कुछ भी व्हाट्सएप को ओपन किए थे। तो ये चीजें मैंने नोबडी पे क्लिक की हुई, कि मेरा जो लार्ज सीन है वो किसी को दिखे ही ना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लार्ज सीन कोई ना देख पाए तो आपको नोबडी पे क्लिक कर देना, जैसे मैंने क्लिक किया, और उसके बाद आपको ऑनलाइन स्टेटस छिपाना है, तो आप यहाँ से सेम एंड लार्ज सीन का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर देना। ओके, इसमें क्लिक कर दोगे तो ये होगा कि आपका जो पिछला लार्ज सीन है ना, आपके फ्रेंड को वही शो करेगा, ऑनलाइन का स्टेटस बिल्कुल उसे शो नहीं करेगा। तो इस थर्ड ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा काम आई होगी, तो लाइक जरूर कर देना। तो चलो अब बढ़ते नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे बात कर ली लार्ज सीन के बारे में, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने प्रोफाइल को भी हाइड करना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड को नहीं दिखाना चाहते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपको प्रोफाइल फोटोज का ऑप्शन मिल जाता, आप इसमें क्लिक कर लेना। अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको किसी को नहीं दिखाना, तो नोबडी पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप अपने कुछ फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं तो माय एक्सप्लेनेशन के फ्रेंड पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपके कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएंगे, जिन जिनको प्रोफाइल दिखाना उसे सेलेक्ट कर लेना और राइट क्लिक पे क्लिक कर देना। तो ये आपका हो गया फोर्थ ट्रिक। गाइस, जो हमारी पांचवी ट्रिक है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आप अपने व्हाट्सएप को काफी ज्यादा यूज करते हो। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं साफ साफ, कि आप ये पता कर सकते हो कि आप अपने व्हाट्सएप पे कितना ज्यादा डेटा यूज करते हो। अगर आप इसकी छानबीन करना चाहते हो तो बिल्कुल से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना है स्टोरेज एंड डेटा वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि आप अपने व्हाट्सएप पे कितना ज़्यादा डेटा यूज़ कर चुके हो। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ से आपको टोटल डिटेल मिल जाती है, मेरे फ़ोन पे स्टोरेज व्हाट्सएप की वजह से कितना ज़्यादा आया है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। अब यहाँ से मैंने कितना डाटा किस चीज़ में यूज़ किया, तो देखो गाइस कॉल पे मेरा 24 MB खर्च हुआ, मीडिया पे मतलब फोटोज वीडियो जो कि आते जाते हैं तो उसमें मेरा 796 MB, गूगल ड्राइव में मेरा बैकअप जाता रहा 92 MB, मैसेज हमारी हुई है वो 46 MB तक, एंड स्टेटस
स्टेटस मैंने जो कि देखी या डाउनलोड की जो भी की है 536 के भी, मतलब मैं स्टेटस वगैरह ज़्यादा नहीं देखता। तो आप यहाँ से इस तरह पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको व्हाट्सअप की कुछ 5 हिडन ट्रिक के बारे में बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।